आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जहां एक ओर पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल गरीबों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा गरीबों और असहाय लोगों को राशन का सामान वितरित किया गया। हम इस समय मौजूद है गढ़ी भदौरिया क्षेत्र में, जहाँ पर गरीब असहाय लोगों तक राशन की किट पहुँचाई जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, जिन्होंने बीड़ा उठाया है ताज नगरी में, चाहे वो बात सैनिटाइजरिंग घर घर जाकर सैनिटाइजर कराने की हो, या फिर लोगों तक राशन पहुँचाने की, या कोई भी मदद जो वो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि जो गढ़ी भदौरिया में किस तरीके से ये राशन वितरण कार्य चल रहा है। सांसद जी, किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था की है कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड वालों को तो 3 रुपये किलो चीनी, 2 रुपये किलो गेहूं और अन्य सामग्री मिल रही है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं है, ऐसे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं, इसलिए उनके राशन कार्ड भी भरवाए जा रहे हैं फार्म, और जब तक वो विचाराधीन है तब तक राहत सामग्री की ये किट, जिसमें 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, चीनी है, आलू है, दाल है, और एक रिफाइंड का ये भी ऐसे 20-25 किलो का, आप देख रहे हैं महिलाएं उठा नहीं पा रही हैं, उसमें इतनी मात्रा जिसको उठा के हम लोग उनको देने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस लॉकडाउन में यही अंत्योदय है कि अंतिम व्यक्ति की सहायता की जाए और अंतिम व्यक्ति का पेट भरा जाए और अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। सांसद जी, शहर में चर्चा है कि सांसद जी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन वो सोते कब हैं? मैंने सांसद की परिभाषा बदली है। अभी तक सांसद का मतलब होता था सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, या शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कब्बाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत, या बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी में जाने को ये एनपी कहते थे। ऐसी राष्ट्रीय आपदा में भी हमारी जिम्मेदारी होती है। यद्यपि मैं एक चीज़ माननीय मोदी जी ने कहा था, जान है तो जहाँ है, जहाँ हो वहीं रुको, लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो बहुत लोग सफ़र कर जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मैं अपने हाथ में ग्लव्स भी पहने हूँ, मूवमेंट से आप भी मूवमेंट कर रहे हैं, पुलिस वाले भी कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी भी कर रहे हैं, उससे नहीं, हमें दूर रखना, इसका करियर आदमी है, आदमी आदमी से दूर रहे तो कल एक भी पॉजिटिव नया नहीं मिलेगा। तो मैं 4 से 5 घंटे हमेशा सोता हूँ, मैं पिछले 25 साल में दोपहर में दिन में नहीं सोया हूँ, आम दिनों में भी 1 बजे से पहले कभी घर भी नहीं आता हूँ। 5 गांव का दौरा रोज करता था, अब आजकल 5 वार्ड का दौरा कर रहा हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, और मोदी मॉडल दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल था, जब जितने आज आगरा में 600 पॉजिटिव हैं, जब देश में इतने पॉजिटिव नहीं थे, तब उन्होंने 130 करोड़ के देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक लॉकडाउन कर दिया था। ये दूरदर्शी नेता का लक्षण है, लेकिन हमने अनुशासनहीनता बरती है। मैं एक बार फिर सी न्यूज़ के माध्यम से आगरा की जनता को कहना चाहूँगा कि इसका संवाहक, इसका कैरियर इंसान होता है, और इंसान इंसान से दूरी रखे तो ये कभी कोई नया पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये जो 2 से लेकर आज हम 600 पे पहुँचे हैं, ये अनुशासनहीनता की वजह से पहुँचे हैं। हम जिस कॉलोनी को सैनिटाइज कर देते हैं, अगर लोग वहाँ अनुशासनहीनता न बरतें तो वहाँ कभी संक्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन लिविंग का भी हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, गेट में या कुर्सी पर या मेज़ पर या लेटरिन बाथरूम सबको सैनिटाइज कर। अब उनको स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग अब मैंने कहना बंद कर दिया, फिजिकल शारीरिक दूरी बना करके रखें, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा। सांसद जी, शहर में एक और चर्चा है, क्योंकि हम सुबह शाम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, लोगों का कहना है जिस तरह सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जमीन स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं, मतलब चाहे ट्रैक्टर चलाने की बात हो, चाहे लोगों तक उठा के राशन देने की बात हो, और भी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, उस पर क्या कुछ कहना है? इसी संभावित दुख दर्द के लिए ही हम लोगों को चुना जाता है। वी आर द रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी, हम लोगों को नेतृत्व करना चाहिए। जो बघेल किसान ट्रैक्टर सैनिटाइजेशन का जो हमने मॉडल था, तब हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे मॉडल को देख करके देश उसको अपनाए और सोने वाली जो संस्थाएं हैं वो जाग जाएं, क्योंकि कोई सांसद सैनिटाइजेशन हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है, ना वर्ल्ड में कर रहा है। हमने इस मॉडल को विकसित किया था ये सोच के कि 2-3 दिन बाद लोग घरों से निकलेंगे, तमाम जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, वो संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी केवल फॉगिंग, सैनिटाइजेशन और कूड़ा और इसी के लिए वो चुनाव होता है, जब देखा अब क्या हो गया, ये पर्यायवाची हो गया कि एसपी सिंह बघेल बनाम
सैनिटाइजेशन। तो हम इस मैं वादा करता हूँ आगरा की जनता को, जब तक डोर टू डोर सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, हमारा सैनिटाइजेशन वर्क तब तक जारी रखेगा। अब तक हम 37,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड को छिड़क चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, लीटर वो होता है, घर में भी रहे तो भी वो व्यवस्थाएँ बहुत कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सामाजिक दूरी को, फिजिकल दूरी को बना करके रहें, और जब तक जीरो ग्राउंड पे नहीं जाया जाएगा तब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन जो कहता है मैं पूरी बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं ट्विटर, व्हाट्सएप और SMS सूचना के लिए होती हैं, वो निरीक्षण के लिए नहीं होती हैं। जब तक जीरो ग्राउंड पर जाकर के आप व्यवस्था नहीं देखेंगे तब तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित ठीक से नहीं हो पाएंगी। सांसद जी, एक चीज़ आज कुर्ते का कलर उड़ा हुआ है और लोग का कहना है कि किस तरह का सैनिटाइजर है, जबकि आप बता रहे हैं किस तरह का सैनिटाइजर है। ये कुर्ता अपने आप में एक सारा दस्तावेज है कि येल कंपनी का, बड़ी इंडिया की मानी हुई कंपनी है, उसके मैं कुर्ते पहनता हूँ जो जिसका रंग कभी नहीं निकल सकता। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड पड़ेगा तो भी रंग नहीं उड़ेगा। तो ये एक दिन में एक जोड़ी, मैं कपड़े अक्सर देखते हो कि मैं सफ़ेद कम पहनता हूँ, कलर ज़्यादा पहनता हूँ, पर डे एक जोड़ी कपड़ा, और ये केवल रंग नहीं उड़ता, ये कपड़ा फिर ख़त्म हो जाता है। उसका कारण यह है कि इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड है, मानक के अनुसार हम लोग डालते हैं, ट्रैक्टर को पानी से भरते हैं, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिर ख़त्म होने पर रिफिल पानी से करते हैं, फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। हम एक ट्रैक्टर से 5 ट्रैक्टर का काम ले रहे हैं। इसमें हम सपा बसपा भाजपा कांग्रेस निर्दलीय कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसका ये जब तक सैनिटाइज नहीं होंगे, वो कोई एक भी पोलियो वायरस की तरह एक भी पॉजिटिव रह जाएगा तो वो दूसरे को संक्रमित कर देगा। जी, एक चीज़ और सामने आई है निकल के कि चाहे बात जब भी अगर किसी की कोई शिकायत होती है तो मोस्टली जो सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल के अपनी अपनी जो पीड़ा है उससे अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन अब जब से आपने सफाई वाले मामले को हैंडल किया तब से और भी इस तरह के मामले सामने आने लगे, चाहे SBI के मैनेजर की मदद का सामने आने लगे। जी जी, जैसे एक्चुअली ये कि मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरे मोबाइल पे आते हैं या जो मुझे लोग भेजते हैं, मैं विद इन सेकेंड उस पर संज्ञान लेता हूँ, संबंधित अधिकारी को भेजता हूँ। जैसे आपने क्वारंटाइन हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज का देखा होगा, तो EDM प्रोटोकॉल को भेजा और उसमें एक वीडियो सस्पेंड भी हुआ। जैसे ही वो यादव महिला ने, जो सेफी वाली थी, तो मेरी पत्नी ने संज्ञान लेते हुए सबसे पहले खाने पीने की व्यवस्था की और पर्याप्त महीने भर की कर दी। और इसके बाद PGI के वाइस चांसलर से मैंने, राजकुमार जी से बात की, उन्होंने मुझे आज तक उसका नाम भी याद है, डॉक्टर राजकुमार जी से कहा, तो उन्होंने वहाँ पर भेजकर डॉक्टर को, फिजिशियन को, उनकी शुगर को भी चेक कराया। उन्होंने बहुत पैनिक लिया था वीडियो में, लेकिन शुगर PP 102 केवल 104 ही निकली थी। तो पैनिक में ना ही, आज भी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है, एक पुलिस महिला कर्मचारी की मृत्यु हुई, अब उसमें आ रहा है 4 घंटे तक वो रहा, तो घर के लोगों ने भी नहीं साथ दिया, उसको तोड़वाया नहीं। लेकिन जो वो एक लाइन कह रहे हैं ना, अचानक कि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो कल डेथ हुई है, सरकारी कर्मचारी थे, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि बाकी घर के लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो मैंने CMO को फॉरवर्ड कर दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यापारी महिला, व्यापारी की पत्नी थी, उसके पैर को चूहे ने कुतरा। बहुत अफसोसजनक घटना है, पोस्टमार्टम की घर में रखी हुई डेथ बॉडी को भी चूहों को नहीं खाना चाहिए, वो तो जिंदा थी। ये घोर लापरवाही का, और उसकी मैंने संज्ञान में लिया है, इसकी शिकायत की, और IAS हैं, CDO जो, वो इसकी जांच कर रही है, और दोषियों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और दुख भी व्यक्त करता हूँ। SP सिंह बघेल जी, जिन्होंने इस गढ़ी बदौरिया क्षेत्र में गरीब लोगों, असहाय लोगों तक राशन किट पहुंचाने का काम किया, साथ ही उन्होंने शहर की जनता से वादा किया कि जब तक वो मौजूद है तब तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, चाहे वो राशन से संबंधित हो, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन रामेश्वर के साथ अनिल कुमार सिंह, CNews आगरा।